कांग्रेस दफ्तर में टिकट कटने से नाराज निखिल कुमार के समर्थकों ने कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के साथ धक्का मुक्की कर दी। बताया गया कि शक्ति सिंह गोहिल वहां चुनाव प्रचार समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे, लेकिन निखिल कुमार के समर्थकों ने शक्ति सिंह गोहिल को घेर लिया और उनसे धक्का मुक्की शुरू कर दी। धक्का मुक्की को रोकने की शक्ति सिंह गोहिल के साथ मौजूद लोगों ने बहुत कोशिश की, मगर उनकी ये कोशिश नाकाफी साबित हुई। देखते ही देखते निखिल कुमार के समर्थकों ने शक्ति सिंह गोहिल के खिलाफ नारेबाजी भी शुरू कर दी। प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने हालात बिगड़ते देख निखिल कुमार के उग्र समर्थकों को समझाने की कोशिश की, मगर समर्थकों का हंगामा बंद नहीं हुआ। हालांकि किसी तरह शक्ति सिंह गोहिल के साथ मौजूद लोग उनको वहां से निकाल कर ले गए, लेकिन निखिल कुमार के समर्थकों ने शक्ति सिंह गोहिल का पीछा फिर भी नहीं छोड़ा। वो लोग उस कमरे में घुस गए जहां बैठक होने वाली थी और अपने नेता के समर्थन में नारे लगाने लगे। तो वहीं इसी बीच निखिल कुमार के कुछ समर्थक कमरे के बाहर गलियारे में खड़े होकर शक्ति सिंह गोहिल के विरोध में लगातार नारेबाजी करते रहे। समर्थकों का हंगामा जब बंद नहीं हुआ तो खुद निखिल कुमार ने हालात को संभालने की कोशिश की, मगर समर्थकों ने निखिल कुमार के सामने ही शक्ति सिंह गोहिल पर गंभीर आरोप लगा दिए। लालू का एजेंट है, लालू यादव का एजेंट है गोहिल। इससे पहले प्रचार समिति की बैठक में शक्ति सिंह गोहिल के पहुंचने की खबर मिलते ही निखिल कुमार के समर्थक पार्टी दफ्तर पहुंच गए और धरना शुरू कर दिया। हालांकि निखिल कुमार ने समर्थकों को शांत रहने के लिए उनके सामने हाथ भी जोड़े, मगर उनकी उस अपील को समर्थकों ने अनसुना कर दिया। मीटिंग गलत है, जब जब इसी बीच शक्ति सिंह गोहिल भी वहां पर मीटिंग के लिए पहुंच गए।